रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलिए रघुवंश मणि रघुकुल भूषण, पतित पावन प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। भक्त जनों, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन है। श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर मानव जीवन को जीना सिखाया भक्तों, और रावण के पापों का अंत कर मां धरती का भार भी हरा था। तो ऐसे रघुवंश मणि के हाथों किस किस का कल्याण हुआ, आइए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चरणों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नार अहिल्या श्रापित नारी, नार अहिल्या श्रापित नारी, रामा रामा रटती जाए, कैसे रघुबर पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई। रावण द्वारा मचाए गए आतंक से, उसके द्वारा फैलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गई। जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु आपका तो वचन है, जब जब पापी बढ़ेंगे पाप बढ़ेगा, साधु संतों का हनन होने लगेगा, तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे। तो इस बार प्रभु देर क्यों लगा रहे, कृपा कर मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पाप ताप संतापों का हरण कीजिए। प्रभु आपने मत्स्यवतार में ऋषि मनु को बचाया, वरा अवतार में धरती को बचाया, तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारण कीजिए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई, भगवान अब अवतार धराओ, मेरे संकट आन मिटाओ, असुरों के आतंक से मुझको हे नारायण आप बचाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। माँ धरती के आह्वान पर श्री हरि ने माँ धरती को ढाढ़स बंधवाया और वचन दिया, हे धरती माँ, मैं शीघ्र ही अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और लीला करते हुए आपके सारे पाप ताप संतापों का हरण कर लूंगा। यह सुनते ही माँ धरती और अन्य देवी देवतागण हर्षाने लगे, श्री हरि विष्णु की जय जयकार लगाने लगे। अब समय आ गया था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु
अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप धारण करें और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करें। तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। नगरी अयोध्या दशरथ के घर, जन्मूंगा मैं रघुवर बन कर। देवी देवता धरती के संग, विष्णु की जयकार लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। अपने दिए गए वचन के अनुसार श्री हरि विष्णु ने प्रभु राम के रूप में जन्म लेने हेतु महाराजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया। उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धरती को और धरती वासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सारी नगरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, ठुमक ठुमक कर चलते। जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते तो पिता दशरथ और माता कौशल्या मन ही मन हर्षाते। माँ कौशल्या डर डर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है, ये तो साक्षात नारायण हरि है, जग के पालनहार हैं, जो इस धरती का कल्याण करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। नगरी अयोध्या पावन कीन है, राम रूप अवतार थलीन है। ठुमक ठुमक चलते जब रघुवर, मात पिता मन मन हर्षाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। महाराजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जन्म लिया था। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। चारों राजकुमार प्रांगण में खेलते कूदते शिक्षा ग्रहण करते धीरे धीरे युवावस्था में आ गए। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, गुरु माता की सेवा करते, आश्रम की सेवा करते, और कभी भी इस बात का भान नहीं करते कि वो तो एक राजा के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात चारों कुमार युवावस्था में अयोध्या नगरी को आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु अयोध्या नगरी घी के दीप जला रही है। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। गुरुवर के फिर आश्रम आए, गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए। गुरु माता की सेवा करते, नियम व पालन करते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। चारों कुमार अयोध्या नगरी लौट आए हैं, और जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या नगरी तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। चहुं ओर खुशियों का वातावरण है। माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड लड़ा रही हैं, पिता के तो मानो पंख ही लग गए हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रहे हैं। कि तभी एक दिवस महाराजा दशरथ के महल में मुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरथ जी चिंतित होते हैं और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। नगर निवासी थे हर्षाए, मात पिता तो मोद मनाए। उसी घड़ी फिर नगरी अयोध्या, गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सहित दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया, परंतु गुरुवर के मुख का विषाद देखकर उनसे प्रश्न करते हैं। प्रभु बताइए, आपको क्या कष्ट है जो इतने क्रोध में, इतने विषाद में आप अयोध्या आए हैं? तब मुनि विश्वामित्र दशरथ को बताते हैं, दशरथ तेरे राज्य में राक्षस हमें तंग करते हैं, हमारा यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञ की अग्नि में मांस और हड्डियां डालकर अपवित्र करते हैं। इस हेतु तुम तुरंत राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वनों में भेजो, वो हमारे यज्ञों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे। दशरथ सुन चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभु, मैं चलता हूँ सेना लेकर। परंतु तब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है, अतः इन्हें आदर सहित गुरुवर के संग जाने दीजिए। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए हैं। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। राक्षस यज्ञ को भंग है करते, असुर हमें तो तंग है करते। राम लखन मेरे संग भेजो, गुरुवर यह आदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गुरुवर संग वन को थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। वन में घूमते घूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है। तब प्रभु राम पूछते हैं, भगवान ये स्थान इतना निर्जन क्यों? तब गुरुवर बताते हैं, पुत्र ये पापन ताड़ का राक्षसी का स्थान है, ये मनुष्यों का आहार करती है, सावधान रहना और इसका अंत करना। तब प्रभु राम गुरुवर से कहते हैं, प्रभु नियम के अनुसार स्त्रीवध पाप है, परंतु गुरुवर कहते हैं कि ये स्त्री नहीं, ये राक्षसी है। तब राक्षसी ताड़ का अट्टहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है। ऐसे ही राम लक्ष्मण अनेक अनेक असुरों का अंत करते हैं और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरुवर अब अत्यंत प्रसन्न है,
वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं, यज्ञ कर पाते हैं, कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है। अब राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं। गुरुवर संग वन में थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए, असुरों का फिर अंत थकीना, गुरुवर ने आशीष था दीना। फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। मार्ग में एक वीरान उजाड़ सा आश्रम देख राम और लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। गुरुवर से पूछते हैं, प्रभु ये क्या माया है, ये किसका आश्रम है? कि तभी एक शिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है जिससे राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। इस पर गुरुवर बताते हैं कि यह श्रापित नारी अहिल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर पत्थर की शिला में बदल दिया है। संक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरण किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। लेकिन मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे तब उनके चरणों की रज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे रघुवर, अब इस श्रापित नारी को श्राप से मुक्त कराओ, जाओ इसे अपनी चरण रज छुआकर भवसागर से पार कर दो। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया, एक शिला फिर वहां पर देखी, ज्योति रामा रामा रटती, पत्थर जप रहा राम नाम को, राम लखन कुछ समझ न पाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। प्रभु श्री राम गुरु चरणों में शीश नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब गुरुवर बताते हैं कि गौतम ऋषि बहुत महान तपस्वी थे, जिनके तप से इंद्र डरता था और इनके तप को भंग करने हेतु उसने कुटिल योजना बनाई। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए तब उसने गौतम ऋषि का रूप धरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया, और अहिल्या ने उन्हें पति जानकर उनके साथ पति धर्म का पालन किया। जब गौतम ऋषि आए उन्होंने इंद्र को अपने स्वरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती तो इंद्र की थी, तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दिया। अब देर न करो पुत्र, अपने चरणों की रज छुआकर इस श्रापित नारी का उद्धार करो। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या, इंद्र के हाथों धोखा खाई, गौतम ने श्रापित करवाई, श्राप के कारण नार अहिल्या देखो शिला में बदली जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर के चरणों में शीश नवाकर प्रभु श्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण शिला पर पड़ते हैं, शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है। नतमस्तक हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवाद करती है कि उनकी चरण धूलि से वो श्राप से मुक्त हुई, और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु वो अपने पति के पास जाना चाहती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पति के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए। इनकी चरण धूलि से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर आज्ञा पालन कीन्हे, चरण की रज से पार्थ कीन्हे। इन चरणों के पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए।